कई पार्टियां जो है आप पे दबाव बना रही है टिकट देने का, इसमें कितनी सच्चाई है सर? जैसा कि आपको पता है जनता जनार्दन है, और मैं जनता जनार्दन से यही अपील करूंगा कि वो सच्चाई और अच्छाई का साथ दे, बस यही कहना। सच्चाई और अच्छाई, उसमें तो सर सब कुछ आ गया, इसका मतलब तो आपने सारा क्लियर ही कर दिया, बड़ा समर्थन दिया है आपने तो, सभी गांव वाले काफी लोग आए हैं। हाँ जी सर, पूरा गांव का साथ है और आपके ऊपर पूरा गांव साथ देगा। किस पार्टी को छोड़ के आए हैं आपके ऊपर? अपनी सर दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में थे पहले आप? हाँ। बारी बारी उनका साथ दिया? नहीं, मैं सर कांग्रेस में, पहले कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस को छोड़ दिया। हाँ जी सर। तो संदीप जी में क्या खासियत लगी आपको भाई उनको छोड़ करके? वो तो बहुत पुराने पुराने नेता हैं सर, ये सिस्टम को जानते हैं, शिक्षित हैं, जो सिस्टम को नहीं जानता वो क्या कार्य करेगा सर? जैसे एक बात करें, अभी आप बैचलर हैं, शादी नहीं करवा रखी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भी जनता ये कहती है कि भी पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के काफी बच्चे हैं, काफी बड़ा परिवार है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार ये कहते हैं कि भी संदीप जी इसलिए शादी नहीं करवा रहे कि जो आपने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं उनका फिर कौन रखवाला होगा? परिवारजनों, मेरे सभी धौली के सदस्यों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सलाम आप सभी को मेरा, और हमारे युवा शक्ति को मेरा बहुत बहुत प्यार। देखिए पूरे 23 साल हो गए, हमारे पूर्वक्ताओं ने बताया, फौजी जी ने बताया, 23 साल से हम आपकी लगातार सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ, बिना कुछ चाहिए। आप सबको मालूम है हम उन अफसरों में से हैं पूरे हिंदुस्तान के जो अफसर आज तक अपनी तनख्वाह घर नहीं ले गए, हम उन चंद अफसरों में से हैं। मुझे एक बात का जवाब देंगे आप सभी, क्या आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ दोगे? ये तो 100% है, 100% है। नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव धोली में मौजूद हैं, और धोली की संख्या आप देख सकते हैं कितने भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, और ये एक छोटा सा चाय का कार्यक्रम था। इधर भी मैं दिखाना चाहूंगा, काफी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनको समर्थन भी दिया है। तो संदीप जी, की कई पार्टियां जो है आप पे दबाव बना रही है टिकट देने का, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए सैनी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने धौली परिवार को, जो हमारे प्रतिष्ठित जन यहाँ बैठे हैं, हमारे युवा शक्ति बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना बिजी शेड्यूल में ये आप यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि आप कह रहे हैं, ये कुछ ऐसे ऑफर आए थे, बड़े बड़े ऑफर बड़े पार्टी से, लेकिन हमने टोटली मना कर दिया, क्योंकि कईयों ने कहा कि एमपी के टिकट ले लीजिए, हमारे को छोड़ दीजिए। मैं कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जनता का भला करना है, और एमएलए बन के और एक बड़े ओहदे पे जाके चंडीगढ़, उससे ही जनता का भला हो सकता है। क्योंकि जो हमने स्कीम्स बताई हैं, 36 स्कीम्स, वो हमें 36 दिन के अंदर अंदर एक पहली स्कीम को लागू करवाना है हमें, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है, और हमारी जनता को हमारे पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, क्योंकि 23 साल से हमने जनता को जो प्यार दिया है, जनता वही चीज हमें दे रही है। सर जैसे एक बात करें, अभी आप बैचलर हैं, शादी नहीं करवा रखी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भी जनता ये कहती है कि भी पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के काफी बच्चे हैं, काफी बड़ा परिवार है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार ये कहते हैं कि भी संदीप जी इसलिए शादी नहीं करवा रहे कि जो आपने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं उनका फिर कौन रखवाला होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इतने काम किए हुए हैं कि बताना भी ध्यान नहीं रहता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा हमारे पूरे परिवार को। देवेंद्र यादव हमारे झांझा से हैं, तो मैं झांझा गाँव गया था, वहां भी हम काफी कंबल रजाई बांटते रहे हैं और काफी लोगों की हेल्प करते रहे हैं, तो मुझे पूरे गांव ने इकट्ठे होकर बोला
कि भी हमारे बेटा है इसका जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो गया लेकिन ये वापस आ गया क्योंकि पैसा नहीं था मंथली फीस का। हमने उस बच्चे को पढ़ाया आप लोगों के सबके कंट्रीब्यूशन से और आज वो बच्चा एक्सन लगा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। आप देखिए हमारे बच्चा खोडाना से मोहन और सुनील दो भाई हैं वो दोनों को हमने पढ़ाया आज वो मोहन हमारा बेटा इंडियन एयरफोर्स में अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है। ऐसे हमारे काफी बच्चे यूनिवर्सिटी में टॉपर्स हैं स्कूल में टॉपर्स हैं। तो देखिए अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर आप किसी को सक्षम करते हैं पढ़ाई में तो उसके बाद उसकी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती वो इतना मजबूत पहले ही हो जाता है। तो सैनी साहब लगातार हमने जो हमारी 23 साल की तपस्या है एक हमारा बेटा है रोहतास हमारे राजपूत कम्युनिटी का है रोहतास उनके फादर का नाम है। तो बेटे मैं गया था सतनाली में तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बेटे का एडमिशन तो हो गया है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पैसा नहीं है। तो बाई चांस मुझे उस दिन तनख्वाह मिली थी तो मैं कहा देखिए मैं तो अपनी तनख्वाह दे सकता हूँ उसी टाइम मैंने तनख्वाह निकाल के रोहतास जी के हाथ में दी थी। आज वो बेटा अमरीका में इंजीनियर लगा हुआ है। मैं आज अपने धोली के जनता को गारंटी देके जा रहा हूँ हमारे यूथ के बारे में जिस दिन आप पावर में आओगे 5 साल के अंदर अंदर हमारे धोली का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। सर जैसे जिस तरह से आप ये जैसे बता रहे हैं भी आपने जैसे ये कई योजनाएं गिनाई इससे कई जो छुट भैया नेता और छुट भैया नेताओं के छुट भैया कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं मतलब आपके इस वीडियो पे कमेंट करते हैं और मैं कई बार क्या होता है कि उनको जवाब देना सही नहीं समझता क्योंकि वो कहते ना अगर उस जैसे बन गए तो फिर हमारे में उनमें फर्क क्या रह जाएगा। तो सर उनके बारे में आप पहले भी बता रहे कि मैं कभी नहीं बोलूंगा तो अब भी ऐसे कोई आप पे कमेंट आते हैं क्या क्योंकि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। देखिए सैनी साहब हमारे संस्कार नहीं सिखाते। अब पिछले इलेक्शन में भी कुछ काफी लोगों ने हमें गालियां निकाली कईयों ने कहा जी आप भी गालियां निकालो मैं कहा नहीं उनके संस्कार होंगे गालियां निकालने के हमारे संस्कार नहीं है। हम कभी किसी को गालियां नहीं निकालते हम किसी को अपशब्द नहीं बोलते हमने हमारे परिवार को एक ही बात बोली है अगर अब भी वो आप इनके पास आए तो इन्होंने कुछ नहीं कहना है अहिंसा परमो धर्म है इन्होंने एक ही बात बोलनी है वो माफ करो आंदोलन कि भी आए तो कृपया करके अंदर ही बोले हमें माफ करें हाथ जोड़ के अगर वो आपसे माफी मांगे वो कहेंगे हमें माफ कर दो इस बारी अगली बारी नहीं ऐसा होगा और इसे आप भी माफी मांग लो ना वो आपके हाथ से आप भी हाथ जोड़ लो अंदर अंदर बोल दो कि भी इस बारे में माफ करो आगे चलो। ठीक है जी थैंक यू। और काफी लोग हैं मैं उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लूंगा तो बीच बीच में आप इस खबर को शेयर जरूर करते रहे ताकि और भी आस पड़ोस के जो गाँव है वो भी इस खबर का को देख सके। तो सर क्या कहना चाहेंगे संदीप जी आपके गांव में आए हैं किस तरह का जोश दिख रहा है गांव वालों का आपकी बार। देखो संदीप जी आज नहीं आए हमारे गांव में तो जब भी एसडीओ यहां आए थे शुरू में जब से ही गांव का लगाव है एसडीएम जब आए जब से हाँ जब से ही गांव का लगाव है और हर बच्चा का लगाव है चाहे कोई बुजुर्ग है या बच्चा है चाहे गरीब परिवार थे उनकी भी इन्होंने मदद की। जब भी हम इनको बताइए कि गरीब परिवार है इनके पास सर्दी के लिए वस्त्र नहीं है कुछ नहीं तो जब भी इन्होंने मदद की और अभी भी मदद करते हैं इसलिए गांव का रुझाव इन्हीं के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी लोग यहां पर मौजूद हैं उनसे पूछ लेता हूं सर कैसा अब की बार रुझान रहेगा किस तरह का सपोर्ट समर्थन मिलेगा संदीप इनको बढ़िया समर्थन मिलेगा सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी और ये अच्छे अधिकारी रहे अपने टाइम के बढ़िया आदमी है इनकी जीत पक्की है। जीत पक्की है सरपंच साहब मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ धोली से हो या फिर झाकड़ी से धोली और झाकड़ी एक ही गांव अच्छा, है गांव एक है मतलब गांव दो है पंचायत एक है पंचायत एक तो पीछे भी हम आपके गांव में गए थे वहां पे भी जैसे काफी लोगों ने समर्थन दिया था करीब 250 से 300 व्यक्ति थे और आज भी यहाँ पर तादाद इतनी देख सकते हैं कि भी ऐसा लग रहा है। सरपंच साहब आप बताइए कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पूर्व एसडीएम श्रीमान संदीप जी का समस्त ग्रामवासियों की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है ये जनता जनार्दन है और मैं जनता जनार्दन से यही अपील करूंगा कि वो सच्चाई और अच्छाई का साथ दे बस यही कहना चाहता हूँ। सच्चाई और अच्छाई उसमें तो सर सब कुछ आ गया इसका मतलब तो आपने सारा क्लियर ही कर दिया मैं सच्चा और अच्छा तो 45 साल वालों को तो देख रखा है पता है आपको ये है ना क्योंकि ज्यादा कुछ खुलासा करने की जरूरत नहीं है भाई सरपंच साहब दबाव प्रेशर भी आते हैं लास्ट में देख लेना समझ रहा हूँ मैं सर सारे समझ रहे हो ना क्योंकि पहले ही आपको ग्रांट नहीं दे रहे पहले ही आपको ईट एंड ड्रीम फंसा रखा है ना वो भी मीटिंग चल रही है उनका भी विरोध चल रहा है चल सरकार का ऊपर से कल भी आपने देखा था बिल्कुल काफी सरपंचों का विरोध रहा है बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या कहना चाहोगे बताइए ताऊ जी ठीक है जी सरपंच साहब कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इधर भी काफी बुजुर्ग है और कुछ हाँ जी ताऊ जी
हम साथ हैं जी, साथ है संदीप जी के। हाँ जी, एक तरफ माहौल है। हाँ जी, साथ हैं, यही बात है। हाँ जी साहब, हाँ जी, सब साथ हैं जी। तो संदीप जी का व्यवहार कैसा लगा आपको? एक नंबर का है। कितने सालों से जानते हैं आप? हम जब से एसडीएम लग के आए जब से जान रहे हैं। तो बहुत पुराने आप सफर वैसे खूब जानकारी सही है जी। पूरा पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट जी। पूरा दिल खोल के आपके बार साथ है। देखिए इधर भी आ जाइए, देखिए काफी लोग हैं। साहु जी राम राम। हाँ राम राम, कैसे हो? कैसे, ठीक है जी। बढ़िया है, बढ़िया। तो आप कैसा लगा संदीप जी? बढ़िया लगा, खूब जानते हैं संदीप जी, बढ़िया है। कितने सालों जानते हैं? कई साल से, जो बढ़िया तभी से जानते हैं। तो अब तो नेता बन जाएंगे? बन जाएगा, बने पड़े हैं, तो बने पड़े हैं। अच्छा अच्छा, आपके गांव का पूरा सहयोग है? हमारा गांव पूरा एक से एक है। अच्छा, इसी गांव से? हाँ जी, पूरा गांव जोर लगाओ जितना होगा उतना, पूरा पूरा धोली जाखड़ी। हाँ हाँ, दोनों गांव का पूरा जोर है जी, आगे तक का सारे गांव। हाँ, और जितने भी रिश्तेदारी यारी प्यारी से सबका ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाऊंगा। हाँ जी, आपकी बार बेड़ा पार हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाओ जी। खुश है आप तो? हाँ एकदम खुश है साहब। आज चुनाव तो एक साल है, लेकिन अभी से लोगों में खुशी की? हाँ बिल्कुल जी, एकदम खुश है और पूरा जोश के साथ जोर लगाऊंगा। तो अब की बार वो माफ करो आंदोलन, उसको कैसे करोगे भाई? नेता आएंगे तो माफ करो? वो तो वो टाल देंगे, उन्हें कह देंगे जा भाई आगे कढ़ाई साल दे दिया। अच्छा, एक ही बार टालना है। हाँ राव जी। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया है जी, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। चलो, मतलब संदीप साहब को अब की बार आशीर्वाद दे रहे हो? सारे खूब बढ़िया दे रहे, बढ़िया दे रहे हो। अब की बार बेड़ा पार है? बेड़ा पार है जी। बाबा जयराम दास की जय। जय। हाँ जी साहब। हाँ भाई साहब, बिल्कुल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, फुल है की बार? हाँ जी, बेड़ा पार है? हाँ जी बिल्कुल है भाई। क्या आऊंगा तो हाथ जोड़ दें प्रमोद्र भाई, आओगे तो हाथ जोड़ देंगे उनको उनको। हाँ साहब को जिताना है, भाई साहब क्या कहना चाहोगे? भाई साहब ये जैसे वैसे ही प्रोग्राम किया गया, आज चटियाली रहा था जी, बहुत जोरदार प्रोग्राम करेंगे टीम साहब का। बड़ी धूम, ये तो एक दिखावत है बस। हाँ जी, समय आएगा ना बड़ी धूम धाम से प्रोग्राम होगा। हाँ ट्रेलर है, फिल्म अभी फिल्म में टाइम है। देखिए आज हम धोली में आए थे और कुछ बाहर के साथी हैं, बाहर के तो नहीं है लेकिन ये बाहर खड़े हैं, उनसे मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। हाँ जी भाई साहब, यही इसी गांव से है भाई? हाँ जी भाई, बताओ कैसे आज संदीप जी का कार्यक्रम करवाया, कैसा प्रोग्राम है? बहुत बढ़िया है और अब की बार लोगों का रुझान भी है, और मैं तो इतना 1 बजे ही अपनी ऑटो खड़ी करके और यहाँ संदीप जी का इंतजार कर रहे थे। तो ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, बाजार में सिटी सेवा में चलाते हैं, और ये भाई भी ऑटो छोड़ के यहीं खड़े हैं। अच्छा, आप मतलब पूरे दिन से अपना काम धंधा छोड़ दिया आपने? ऑटो ऑटो बंद भाई, संदीप जी का कार्यक्रम? हाँ संदीप जी का प्रोग्राम था, इसी में शामिल होने के लिए आज पहले आ गए थे, टाइम से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई साहब क्या कहना चाहोगे? मैं तो जी स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? तो जो वो नहीं लगी अभी? नहीं लगी जी अभी। तो अब तो संदीप जी लगवाएंगे जो? बिल्कुल लगवाएंगे जी। आस है पूरी? बिल्कुल आस है, बिल्कुल फुल है, फुल है जी बिल्कुल। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे। हाँ जी साहब, क्या नाम आपका? नोरंग। नोरंग, इसी गाँव से? अच्छा, तो सुना प्रोग्राम कैसा लगा, विचार कैसे लगे? विचार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब की बार लोग कह रहे हैं की बेड़ा पार हो जाएगा, जिता देंगे लग रहा है, ऐसा कुछ माहौल बन गया है? मतलब माहौल बन गया है। तो कह रहे हैं अभी ट्रेलर था, फिल्म दिखानी है अभी, तो समझ लो और तगड़ा प्रोग्राम करेंगे, तो चाय का प्रोग्राम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलो देखिए, ये और युवा साथी हो रहे हैं भाई, इनसे तो मेरे बात हो चुकी है। आप बताइए भाई कैसे हो? बस बढ़िया सर। क्या काम करते हो? ट्रांसपोर्ट में, दिल्ली। अच्छा ट्रांसपोर्टर, वाह वही। अभी प्रोग्राम आप ही ने करवाया? जी सर। वाह, क्या कार्यक्रम था आज? वैसे ही करवा लिया आज? सर वैसे ही करवा लिया, देखा कि सर का साथ दे, एक किरण दगी है कि पहले बड़ा समर्थन दिया है आपने, तो सभी गांव वाले काफी लोग आए हैं। हाँ जी सर, पूरा गांव का साथ है और आपकी बार पूरा गांव साथ देगा। किस पार्टी को छोड़ के आए हैं आपकी बार? अपनी सर दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में थे पहले आप? हाँ। मतलब बारी बारी उनका साथ दिया? नहीं मैं सर कांग्रेस में, पहले कांग्रेस में थे, तो अब कांग्रेस को छोड़ दिया? हाँ जी सर। तो संदीप जी में क्या खासियत लगी आपको भाई उनको छोड़ करके? वो तो बहुत पुराने पुराने नेता हैं सर, ये सिस्टम को जानते हैं, शिक्षित हैं, तो सिस्टम को नहीं जानता वो क्या कार्य करेगा। शिक्षित तो वो भी थे लेकिन इतने नहीं थे, है ना? हाँ जी सर। मतलब उनको वैसे ज्ञान था, उनको वैसे ज्ञान था लेकिन धरातल का ज्ञान नहीं था उनको शायद। उनको ये ज्ञान था क्या क्या कार्य करवाने हैं, नौकरी कैसे मिलनी, वो बड़ा ज्ञान नहीं था उनको। ये ज्ञान था कैसे बिजनेस करना है, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना, उनको ये ज्ञान था। संदीप में कितना क्या लगा आपको? संदीप में सर हमें एक युवाओं को नई किरण दिखी कि ये युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए सर हमने संदीप सर को चुना। बिल्कुल, एक बार दिखा दीजिए भाई, सारे ऊपर घुमा के दिखा दो, ऊपर उठा के, कितने युवा मेरे पीछे खड़े हैं देखिए, भारी संख्या में यहाँ युवा है।
और उधर बुजुर्ग जो है अभी देखिए ठंडा पी रहे हैं। यहाँ पे टी पार्टी का कार्यक्रम था और बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम रखा था। बंटी जी आपकी भी कोई दो बातें हमें बता दीजिएगा, कैसे मतलब ये सोचा कि भी ये कार्यक्रम करवाया जाए गांव में और एक तरफा सा माहौल बना दिया लोगों ने यहाँ पे? देखिए माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत और भी अच्छा माहौल होगा। पिछली बार हमने मेरा बताता हूँ, 50 वोट हमने मेरा तरफ से डलवाए थे, अब की बार 500 इस गांव से मैं वोट मेरी तरफ से डलवाया। 500 वोट, वाह 500 वोट इस गांव से, तो फिर तो समझ लो एक तरफा सा माहौल बढ़ गया। आगे जो भी सिचुएशन रहेगा लोगों का देखने के लिए और जो भी बढ़ोतरी होगी हम करवाएंगे, और एक बड़ा प्रोग्राम भी हम 1-1.5 महीने में करवाएंगे, इसके बाद और भी प्रोग्राम होंगे। तो देखिए अभी कितना जोश आप देख सकते हैं, ये धोली गांव में हम मौजूद हैं और धोली गांव में भारी संख्या में यहां पर जनता आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो है दिखा दीजिएगा काफी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। और अभी पूर्व SDM संदीप सिंह का एक छोटा सा कार्यक्रम था और इतनी गैदरिंग यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है समर्थन देने के लिए आए हैं। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली खबर हमारी आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव के साथ। नमस्कार।